और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से दे दे कि आज नामांकन भरेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी आज पर्चा भरेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। 70 विधानसभा सीटों पर 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है और यहाँ पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरेंगे, जबकि राज्य में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी आज पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि एक बार फिर राज्य में उनकी ही सरकार बनने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, जिसमें यह साफ होगा किसके दावे सही साबित हो रहे हैं और किसके दावे फेल। तो लगातार ज्ञानेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से यहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी पर्चा दाखिल करेंगे। बिल्कुल, आज 27 जनवरी है और आज जो है नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस भाजपा समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशियों की तरफ से किया जाएगा। खासतौर पर अगर हम देखें सूबे के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में जो है नामांकन करते हुए नजर आएंगे और जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले ही खटीमा पहुँच गए थे। कल 26 जनवरी के अवसर पर वो खटीमा में ही मौजूद थे और आज अपने समर्थकों के साथ वो नामांकन करने पहुँचेंगे खटीमा में। और खासतौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से जो मिथक रहा है उत्तराखंड का, जो मुख्यमंत्री रहता है अगर विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसे हार मिलती है, और ऐसे में इस मिथक को तोड़ने की जो कोशिश है वो भाजपा के जो मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से किया जाएगा खासतौर पे। और यही वजह है कि लगातार उनके दौरे हैं वो खटीमा, उनके विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया है कि किस तरीके से लगातार वो अपने क्षेत्रों में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। जनता से उनकी जो मुलाकातें हैं लगातार होती रही हैं और आज वो अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेंगे और पूरी कोशिश है खटीमा से सीट निकालने की भाजपा की। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी जनता के बीच हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है मौजूदा समय में, और आज वो नामांकन करेंगे। कल 28 तारीख को नाम वापसी का दिन निर्धारित किया गया है और 14 फरवरी को जो उत्तराखंड के अंदर जो मतदान होना है, और ऐसे में लगातार जो भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं अपने जो कहीं ना कहीं प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनको मजबूती से कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, तो ये ज़रूरी भी है। और आज मुख्यमंत्री खुद ही नामांकन करने खटीमा क्षेत्र में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी लगातार जीत का दम भरती हुई और तीसरे ऑप्शन के तौर पर लगातार जनता के सामने ये बात रखती हुई नजर आ रही है, तो जो चुनावी वर्चस्व है वो किस तरह से अभी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है ज्ञानेंद्र? देखिए, तीसरे विकल्प के रूप में भले ही आम आदमी पार्टी ने दस्तक दिया हो, लेकिन अभी भी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के ही पक्ष में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार जो प्रत्याशियों के चयन हो रहे हैं, कभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और कभी भाजपा, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के अंदर इस 2022 के विधानसभा की बात मौजूदा समय में करें तो टक्कर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में बराबर की देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैंने बताया कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के किशोर उपाध्याय, वो भाजपा का दामन थामने वाले हैं और भाजपा उनको टिहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से भाजपा को उनके आने से एक मजबूती जरूर मिलेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा है कि सरकार में दो आज नामांकन भरना है सीएम पुष्कर सिंह धामी को, अभी किस तरह से वहां पर चहल पहल देखी जा रही है, और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी नामांकन भरेंगे, और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खटीमा से जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे, इसके साथ ही उनके सामने भुवन कापड़ी जो हैं कांग्रेस की तरफ से होंगे, किस तरह की कांटे की टक्कर दोनों में दिखाई दे रही है? देखिए, खटीमा सीट से बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि एक मिथक होता है मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं जीतना, क्योंकि अब अक्सर देखा गया है कि जो भी मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ा है उत्तराखंड के अंदर उसे हार ही मिली है। और ऐसे में भुवन कापड़ी जो है वो खटीमा क्षेत्र सीट से मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं, और ऐसे में कांटे की जो टक्कर है वो खटीमा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। और पूरी जो कोशिश है भाजपा की कि मुख्यमंत्री का ये सीट निकाला जाए और इस मिथक को
की भरसक जो है कोशिश देखने को इस दौरान भाजपा की तरफ से मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रीतम सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा समय में वो चकराता विधानसभा से चुनाव में हैं कांग्रेस की तरफ से और आज उनकी तरफ से नामांकन भी किया जाएगा, तो खास तौर पे कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो जोर शोर से प्रचार प्रसार में ठीक है कितनी देर में नामांकन के लिए पहुंच सकते हैं, चयन में लगातार बदलाव कर रही है। देखिए दोपहर का समय रखा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, खटीमा उनका जो कि विधानसभा क्षेत्र है वहाँ वो नामांकन के लिए पहुँचेंगे और तकरीबन 12 बजे के करीब नामांकन की जो प्रक्रिया है उनकी तरफ से की जाएगी। हालांकि जो कोविड प्रोटोकॉल है उनके उसके अनुसार ही कम लोगों को साथ में जो समर्थक होंगे कम ही लोग उनके साथ जा सकते हैं और ऐसी कोई रैली नहीं निकाली जा सकती है और ऐसा रोड शो नहीं किया जा सकता है, इस तरह के जो निर्देश हैं। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नज़र बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल दोपहर का वक्त रखा गया है नामांकन के लिए और नामांकन में दो ही लोग जा सकते हैं अंदर, तो ऐसे में आज नामांकन सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भरा जाए।